राजधानी में चोरों ने अब एक्सप्रेसवे पर डाका डालना शुरू कर दिया है। दरअसल एक्सप्रेसवे के डिवाइडर पर लगी हुई लोहे की रेलिंग, केबल लगातार चोरी हो रहे हैं। शातिर चोर पुलिस से बेखौफ होकर लोहे के सामान को मशीन से काटकर चोरी कर रहे हैं। राजधानी रायपुर के एक्सप्रेसवे पर चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तस्वीरों में दिख रहा है यह नजारा एक्सप्रेसवे के बीचों बीच बने डिवाइडर का है। जहां तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस प्रकार से चोरों ने कटर से काटकर लोहे के ग्रिल को चोरी किया है। शातिरों ने 2 किलोमीटर तक डिवाइडर में लगी लोहे की ग्रिल चोरी कर ली। कुछ जगहों पर तोड़ फोड़ कर चोरी की गई। आकलन करें तो अब तक एक्सप्रेसवे पर 25 लाख से ज्यादा का सामान चोरी हो चुका है, लेकिन पुलिस आज तक एक भी आरोपी को नहीं पकड़ पाई है। पुलिस कह रही है कि शिकायत आई है, जांच में टीम लगी हुई है, जबकि एक्सप्रेसवे पर साल भर से चोरियों का सिलसिला जारी है। इस तरह की शिकायतें हम लोगों को मिली है और इस पर जो है क्राइम ब्रांच की टीम को भी लगाया गया है। जो प्रारंभिक जानकारी मिली है उसमें कुछ कबाड़ी का काम करने वाले और दीवार मोहल्ले के लड़के हैं, उनके द्वारा जो है चोरी की घटना की जा रही है और बहुत ही जल्द उनकी इसमें गिरफ्तारी की जाएगी। राजधानी रायपुर की सड़कों पर लगातार चोरी की वारदात सामने आते जा रही है। एक्सप्रेस वे समेत कई सड़क मार्ग है जहाँ पर चोरों ने चोरी करना जो है वो शुरू कर दिया है। पहले तो केवल साइड में लगे लोहे के ग्रिल चोरी हुआ करते थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से एक्सप्रेसवे पर लगे डिवाइडर पर जो लोहे के पार्टीशन लगे उन्हें किस प्रकार से यहां पर चोरी किया जा रहा है। बताया जा रहा है 6 किलोमीटर लंबी सड़क है, लेकिन पूरी सड़क पर चोरों ने अपना डाका डाला हुआ है और लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। तस्वीरों से साफ है जिस प्रकार से लोहे के सामानों को काटा जा रहा है, इसके लिए प्रोफेशनल मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मशीनों के जरिए दिन दहाड़े यहाँ पर लोहे के सामान की चोरी की जा रही है। अब तक आकलन की बात करें तो 25 लाख रुपए से ज्यादा का माल चोरी हो चुका है। वहीं पुलिस के हाथ भी खाली है, ना कोई FIR ना ही कोई चोर पुलिस की गिरफ्त में आ पाया है। अब ऐसे में देखना होगा एक्सप्रेसवे पर चोरों का ये चोरी का सिलसिला कब तक जारी रहता है। कैमरामैन अरुण साहू के साथ मोहम्मद 24/7 रायपुर।